हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चलो खाने। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मार्केट स्टाइल ऑल इन वन नमकीन। त्योहारों के टाइम में मन करता है कि हम सब कुछ अपने घर में बनाएं, तो आज जो हम नमकीन बनाने वाले हैं वो बहुत इजी है और बहुत टेस्टी भी है। बाज़ार की महंगी नमकीन लाने की हमको ज़रूरत नहीं, इसका मसाला भी हम खुद ही घर पर बनाएंगे। तो चलिए, इसका मसाला बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक मिक्सिंग बाउल, उसमें हम डालेंगे एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून काला नमक, एक टीस्पून धनिया पाउडर, साथ में डालेंगे एक टीस्पून आमचूर पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ में डालेंगे आधा टीस्पून सादा नमक। तो ये मसाला जो है हमारे नमकीन के फ्लेवर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम साइड पे रखेंगे, और जब हमारी नमकीन बनेगी तो उसके ऊपर हम इसको स्प्रिंकल करेंगे। तो नमकीन बनाने के लिए ये सब मैंने लिया है कड़ी पत्ते फ्रेश 10 से 15, साथ में मैंने लिए आधा कटोरी मूंगफली, काजू और बादाम आधा कटोरी, थोड़ी सी किशमिश और साथ में दालिया, ये भुना हुआ चना है। तो ये हम नमकीन में यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा तेल, उसमें हम अपने सबसे पहले काजू और बादाम को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसका कलर हमको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, और इसको फिर भूनने के बाद हम एक छाननी में निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो अलग हो जाए। अब इसके बाद हम भूनेंगे दालिया, ये है भुना हुआ चना, इससे बहुत अच्छा क्रंची फ्लेवर आता है हमारी नमकीन में। तो इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भून कर हम इसको छाननी में निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो अलग हो जाए। अब हम भूनेंगे मूँगफली, मूँगफली को भी हमको हल्की आंच पे भूनना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं, और हल्का गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसको छाननी पे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि फिर मूँगफली का टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाता है। बस इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब हम डालेंगे किशमिश, किशमिश को भूनने में बहुत कम समय लगता है, बस 8 से 10 सेकेंड के लिए हम इसको भूनेंगे, और साथ में हम इसमें डाल देंगे हमारे कड़ी पत्ते, क्योंकि कड़े पत्ते में मॉइस्चर होता है तो हम चाहते हैं कि हमारी नमकीन बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहे। तो हम कड़ी पत्ते और मूंगफली को भूनकर साइड में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में हम थोड़ा एक्स्ट्रा तेल डालेंगे और इसमें हम भूनेंगे हमारे पोहे। तो ये जो हमने भून के रखा था ये मसाला हम इसमें डालेंगे जो बनाया हुआ था, ये जो काजू बादाम किशमिश दालिया ये जो हमने भूना है, इसके ऊपर हम 1 से 2 टेबलस्पून हमारा मसाला डाल देंगे, और गरम गरम में ही हमको मिक्स करना है ताकि अच्छे से कोट हो जाए। अब ये देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है कढ़ाई में, इसमें हमने जो मकई के पोहे हैं वो डाल दिए हैं, और इसको हाई फ्लेम पे ही हमको भूनना है। बस ये जो कॉर्नफ्लेक्स हैं ये हमारे भून के तैयार हैं। ये दूध वाले कॉर्नफ्लेक्स नहीं होते, ये अलग से मकई के पोहे होते हैं जो हमको मार्केट में मिलते हैं, हमें उसका इस्तेमाल करना है। बस हल्का गोल्डन कलर हो जाए तो हम इसको टिश्यू पेपर पे निकाल के रख लेंगे, और इसके ऊपर भी वही मसाला हम स्प्रिंकल करेंगे जो हमने अभी बनाया था अच्छे से, ताकि गरम गरम में ही ये कोट हो जाए। इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का गरम हो तो इसके ऊपर हम कोट कर देंगे हमारा मसाला और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब कढ़ाई में हम भूनेंगे थोड़ा सा मरमरा, इसको भी बहुत कम समय लगता है, हल्की आँच पर इसको हमको भूनना है, और भूनते भूनते हम इसमें डाल देंगे हमारा जो मसाला हमने तैयार किया था 1 टीस्पून जितना। बस इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसका भी स्वाद बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और साथ में मैंने डाली है थोड़ी सी बूंदी, बूंदी तो तली ही हुई होती है, पर इसको भी हम थोड़ा, अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो वो भी निकल जाएगा, तो इसको भी हम ममरे के साथ में मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। बस हमारा सब मिक्सचर तैयार है, अब हम इसको असेंबल करेंगे। ये देखिए हमने काजू बादाम किशमिश में डाल दिए हमारे कॉर्नफ्लेक्स के पोहे ऊपर से, इसमें मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही मिक्स कर दिया था। इसको अच्छे हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे पोहे और बूंदी जो हमने भून के रखी थी साइड पे, इसको भी हम डाल देंगे इसमें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मरमरा खाना चाहते हैं, तो आप उसके हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी नमकीन एकदम तैयार है, ऑल इन वन, खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब है, और कलर देखिए कितना सुंदर आया है, है ना, लग रही है हल्दीराम की नमकीन के जैसे। अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में 2 टीस्पून जितना पिसी हुई चीनी, इससे बहुत ही ज़्यादा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी हमारी नमकीन, तो इसको आप ज़रूर डालिएगा। तो फ्रेंड्स, तैयार है ऑल इन वन नमकीन।
आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, त्योहारों में अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा पीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।